أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم جزاك الله بہت شکریہ قاری محمد الطاف صاحب नाज़रीन मोहतरम कारी साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे बाद हमद बारी ताला आइए हम सब मिलकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन मोहतरम अपने आज के प्रोग्राम नवाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप आरपी न्यूज़ यानी रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताउन से देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान भर में दुनिया में जहाँ जहाँ से लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सबके लिए हमारी जानिब से हमारे इदारे की जानिब से नेक तमन्नाएँ हैं दुआएँ हैं। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को हम सब की इबादात को अपनी जनाब में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम आपसे भी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में हमें हमारे इदारे को उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें। रोज़े जो अल्लाह ताला का हम सब पर सारे मुसलमानों पर यकीनन इनाम है ये वो बाबरकत महीना है जिसमें उसकी इनायात उसकी रहमतें उसकी बरकतें पूरे उरूज से पूरे ज़ोर शोर से और अल्लाह की शान करीमी के मुताबिक नाजिल हो रही हैं। अब हमें इसमें से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा समेटने की सही करनी है। नाज़रीन मोहतरम इस महीने को तरबियत का महीना कहा जाता है। रमजान मुबारक सबर का महीना है तरबियत का महीना है। इस महीने में हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों को अल्लाह सुबहानहु व तआला के बदलाए हुए तरीके और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढाल सकते हैं। अपने इस सफर के लिए खैर के इस सफर पर चलने के लिए सबसे पहले तो जरूरी यह बात है कि हमारी मंजिल का तायुन और हमारे रास्ते का इंतखाब दुरुस्त होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम हमने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो तरबियत के हवाले से ही है यानी नेकी का सही तसव्वुर। नेकी को करने से पहले
नेकी को किस अंदाज से अख्तियार किया जाए कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक हो, ताकि उसका हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा हो। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम अपने नेकी के तस्वूर को और उसकी अमली सूरत को दुरुस्त राह पर गामजन कर सकते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह खान साहब। मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना साहब, रमजानुल बारिक का दूसरा अशरा है और तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप रमजानुल बारिक के दूसरे अशरे के हवाले से और इस अशरे में जो आप सल्लम ने हमें तालीम दी है और जो दुआ सिखलाई है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमजान को रहमत का महीना करार दिया है। एक ज़ईफ हदीस के अंदर इस तरह की बात आई है, क्योंकि वो ज़ईफ हदीस है तो इसलिए मैं बेहतर नहीं समझता कि उसके हवाले से बात की जाए कि उसमें पहले अशरे को अलग कुछ बताया गया है और दूसरे को अलग और तीसरे को मगफरत बताया गया है। तो अल्लाह के रहमत को तकसीम किया गया है, क्योंकि वो हदीस ज़ईफ है तो उसकी बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कुरान मजीद के हवाले से या अल्लाह के रसूल के फरामीन के हवाले से रमजान मुबारक पूरे का पूरा अल्लाह के रहमतों का महीना है। रमजान मुबारक के बारे में ये बात हदीस से वाज़े होती है कि जैसे रमजान शुरू होता है तो अल्लाह ताला शयातीन को बंद कर देता है। इसका ये मतलब नहीं है वो किसी जगह पे यूं बंद होते हैं कि वो खुले नहीं होते। इसलिए कि जब आप देखते हैं कि जंगे बदर जो के रमजान ही में हुई थी जी, तो उसमें शैतान आया था और उसने आके अबू जहल को तसल्ली दी थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो बंधा हुआ तो उधर ना आता। इस मुराद ये है कि जब लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो ये एक अल्लाह की रहमतों का महीना है। तो जो लोग इधर रुजू कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, इधर आते हैं, तो उन पर शैतान का फिर असर नहीं होता, अल्लाह उनको उसको रोक देता है। बाकी वो जंजीरों से यूं जकड़ा नहीं होता, वो तो एक इस्तारतन बात की गई है। तो बहरहाल इस तरीके से जो नेकियों का मोराल बढ़ जाता है, नेकियों का एक सीजन हो जाता है, बुराइयों से लोग बच जाते हैं अगर वो बचना चाहे, एक माहौल बन जाता है। देखें सुभान अल्लाह, सुबह शाम मस्जिद में जी जी जो है वो रश होता है। आम दिनों में मैं मुशाहिदा करता था, जो हमारे घर के करीब मस्जिद है तो अमूमी तौर पर फजर की नमाज में एक सब बमुश्किल पूरी हुआ करती थी, माशाल्लाह वो बड़ी मस्जिद है काफी। तो अभी कल भी जब मैं, बल्कि आज सुबह जब मैं नमाज के लिए गया हूँ, तो आज हालांकि जुमा नहीं है उसके बावजूद जो है 4 से 5 सफें जो है वो मस्जिद में नमाजियों की थी। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे ही आसानी है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, माशाल्लाह माहौल बना होता है और एक तहरीक बनी होती है। तो अच्छा मौलाना साहब, हमारी गुफ्तगू का मौजू भी यही है, क्योंकि इस वक्त एक नेकियों का माहौल बना हुआ है और इसमें यह है कि आसानी है, और जैसे कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की जानिब से भी जो है वो रहमत का मामला होता है, तो नेकियों को इख्तियार करना और उस रस्ते की जानिब आगे बढ़ना आसान से आसान तर होता चला जाता है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को इस अमर पर जरा रहनुमाई दें कि नेकी का जो जज्बा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है उसका हकीकी तसव्वुर दरअसल है क्या। देखें कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला फरमाता है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक वल मग़रिब, कि नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरब की तरफ कर लो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आयत है, ये तो मैंने टुकड़ा पढ़ा है तो काफी लंबी है, तो ये आयत है सूरह बकरा की और सूरह बकरा नाजिल हुई है मदीना में जाकर। यहाँ पर नेकी का तस्वर वादे किया जा रहा है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन की तरफ बुलाते हुए 12-13 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। तो इसका मतलब है पहले भी तो नेकी तो कर ही रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि इधर आके अल्लाह ताला ने नेकी का तस्वर वाजे किया है। उसकी वजह एक वाकया बना था, तहवील किबला। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 16-17 महीने नमाजें पढ़ी और पढ़ाई, लेकिन बाद में जब तहवील किबला का हुक्म आया और आपने खाना काबा की तरफ रुख किया, तो वहां मदीना के अंदर आबाद यहूदी कबाइल ने खास किस्म का प्रोपेगेंडा किया
उन्होंने कहा कि अजीब नबी रसूल है कि इनका तो किबला ही इनका तायुन भी नहीं है। अच्छा मालूम नहीं है कि मदद चाहते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये भी वजाहत फरमाते जाइए कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम मुसलमान जितने भी दाखिल हो चुके थे इस्लाम में, जब आप लोग अभी मक्का में थे यानी हिजरत से पहले, तो वहां पर मक्का में जब नमाज अदा करते थे तो उस वक्त जो है वो नमाज की पोजीशन क्या ली जाती थी? हाँ, उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के जुनूब की तरफ खड़े होते थे और शुमाल की तरफ रुख करते थे, तो काबा की तरफ भी रुख हो जाता था और सीधा आगे बैतुल मुकद्दस की तरफ भी रुख हो जाता था। यानी दोनों किबले जो है वो एक लाइन में जी, तो दोनों किबलों की तरफ रुख एट ए टाइम हो जाता था। सही। अब जब हिजरत करके अल्लाह के रसूल मदीना आ गए तो अब चूंकि जुनूब की तरफ मक्का है, शुमाल की तरफ जो है वो बैतुल मुकद्दस है, तो दोनों तरफ मुंह करना एट ए टाइम मुमकिन नहीं था। सही। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके 16-17 महीने नमाजें पढ़ाए। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ से फरमा रहे थे कि फिर किबला तहवील हुआ, तो उस वक्त जो है वो फिर क्या अशकाल पैदा हुई, क्या सूरत हाल पैदा हुई, वो जो नेकी का तसव्वुर आप यहाँ से जोड़ने लगे थे? हाँ, तो आप जरा इसकी वजाहत करो जी। उसमें ऐसे है कि जब यूं यहूद ने प्रोपेगंडा किया तो कुछ सादा लोग मुसलमानों के दिल में भी ये ख्याल आया कि अगर वाकईतन हमारा किबला गलत था तो इस दौरान हमारी नमाजें जो हमने पढ़ी वो कबूल हो जाएंगी या नहीं होगी, और बिलखसूस इस दौरान अगर हमारा कोई साथी फौत हो गया तो उसका ईमान भी कबूल है कि नहीं, यानी हमारी इबादत की क्या हकीकत और ईमान की क्या हकीकत है। हकीकत इसलिए कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान फर्क करने वाली नमाज है, तो अगर हमारी नमाज ही गलत हुई तो फिर हमारा ईमान भी कबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पस मंजर में ये अल्लाह ताला ने ये आयत पूरी नाजिल की और ये बताया कि एक होता है किसी भी अमल का जाहिर, ठीक है, और एक उसकी असल हकीकत है। तो नेकी का भी एक जाहिर है, नमाज भी पढ़ते हो तो उसका एक जाहिर है, आपने किबले की तरफ रुख भी कर लिया पहले, दूसरी तरफ रुख अल्लाह के रसूल ने किया हुआ तो आपने उधर भी कर लिया और बावजू भी हो गए, यूं आपने एक प्रैक्टिस भी कर ली, क्याम भी किया, रुकू भी किया, सजूद भी किया, ये इसका जाहिर है। इसकी असल हकीकत क्या है पूरी नेकी की, तो वो इस सूरत इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने बयान की है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि आम तौर पर हम लोगों को देखते हैं कोई अमल करते हैं अच्छा हमें लगता है तो हम कहते हैं ये आदमी नेक है, और वो आदमी कोई बुरा अमल कर रहा होता है हम कहते हैं ये बुरा है। हालांकि इंसान तो एक वादत होनी चाहिए, जैसे कि एक आम की गुठली अगर आप जमीन में लगाएं और उससे कोपले फूटेगी बड़ा दरख्त हो जाएगा, तो जड़े भी तना भी पत्ते भी फल भी सब आम के होंगे। जबकि इंसान को हम देखते हैं उसके अमल के लिहाज से कि एक अमल करता है तो हम कहते हैं ये अच्छा है, दूसरा अमल करता है तो हम कहते हैं ये आदमी बुरा है। तो कुरान मजीद ने यहाँ पर जो बात बताई है वो अमल से पहले नजरिए की बताई है, ईमान की बताई है कि नेकी जो असल हकीकत है उसका ताल्लुक उसकी जड़ बुनियाद ईमान है। यानी कोई आदमी कोई भला काम करता है तो किस लिए करता है, उसका ताल्लुक ईमान से जोड़ा है, और ईमान जो है वो भी एक नहीं बल्कि तीन ईमानियात हैं। ठीक है, जज़ाकअल्लाह मौलाना साहब, हम इसकी तफसीर की तरफ भी आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हम आज के अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नेकी की हकीकत क्या है, इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू हम करेंगे मौलाना साहब से। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम नवाए रमजान रोशन पाकिस्तान न्यूज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताबुन किया है स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान ने। नाज़रीन, हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे नेकी के हकीकी तसव्वुर पर। तो ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मौलाना अताउल्लाह खान साहब फरमा रहे थे कि नेकी का जो हकीकी तसव्वुर है उसका ताल्लुक ईमानियात से है। अब ईमानियात के कितने दर्जे हैं या उसके कौन कौन से अज्जा हो सकते हैं, आइए मौलाना ताला खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। जहां तक ईमान का ताल्लुक है, असल बुनियादी तौर पर तो ईमान बिल्ला है, इसलिए कि जो ईमान बिल आखरत है वो भी अल्लाह की सिफत अदल का जहूर है, और जो ईमान बिल रिसालत है वो भी अल्लाह की सिफत हिदायत का जहूर है कि अल्लाह जब हिदायत देता है तो उसकी हिकमत ही उसने नबी रसूल भेजे। लेकिन जो अमली लिहाज से अहम तर ईमान है वो ईमान बिल आखरत है। अगर इंसान को
ये वाज रहे कि मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होके अपने हर हर अमल का हिसाब देना है, तो फिर वो सीधा काम करेगा। अगर ईमान बिल आखरत के अंदर कोई झोल आ गया तो ईमान बिल बिल्ला भी और ईमान बिल रिसालत भी वो सिर्फ एक नजरिया बन के रह जाएगा, अमल दुरुस्त नहीं हो सकेगा। लेकिन जो कानूनी और शरीयत एतबार से अहम तर ईमान है वो ईमान बिल रिसालत है। इसलिए कि अगर आदमी कोई अपने तई बहुत बड़ा मुवाहिद भी हो और आखरत कोई मानता हो, लेकिन अगर उस अंदाज में नहीं मानता जिस अंदाज में बताया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसकी वो तौहीद भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस लिहाज से ये तीनों ईमानियात की अपनी अपनी एक अहमियत है। अमल के लिहाज से आखरत की अहमियत है ईमान बिल आखरत की, उसूली तौर पर असल ईमान अल्लाह पर ईमान है, लेकिन कानूनी और शरीय एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आना जरूरी है। अब जहां तक नेकी के साथ ताल्लुक है ईमानियात का, तो उसमें अगर आप देखें कि कोई आदमी भी कोई भला काम करना चाहता है तो उसके पीछे जो मोटिवेटिव होना चाहिए वो सिर्फ अल्लाह की रजा है। अगर अल्लाह की रजा के अलावा कोई और गर्ज उसके जहन में आ गई तो वो ईमान की बजाय या नेकी की बजाय वो दुनियावी कारोबार होगा, कोई और मकसद होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ कोई भला काम इसलिए करना चाहता हूँ कि कल मैंने आपसे कोई काम निकलवाना है, तो ये मेरी भलाई नेकी नहीं है बल्कि ये तो कारोबार है, सौदेबाजी हुई। तो अगर कोई आदमी महज अल्लाह के रज़ा के लिए काम कर रहा है तो फिर वो नेकी की बात होगी। मौलाना साहब माजरत से एक बार फिर मैंने कतर गलामी की, मैं यहाँ पर एक बात मेरे जहन में, हम अमूमी तौर पर अपने मुआशरे में दोस्तों में खानदान बिरादरी में ये सुनते हैं कि किसी फैमिली के किसी फर्द का गिला करते हुए या दोस्तों के किसी दोस्तों में से किसी का गिला करते हुए ये बात कही जाती है कि देखिए जी हमने तो उसके साथ ये भलाई की, ये रवैया रखा और उसके बदले में आज देखें इसने हमारे साथ ये किया। फर्ज करें अगर हमने किसी गरीब रिश्तेदार की या दोस्त की मदद भी कर दी किसी मुश्किल वक्त में, किसी सामान की सूरत में, उसके उसको वक्त देने की सूरत में या उसको फाइनेंशियली उसकी कोई हेल्प कर दी, और कल को किसी और मौके पे वो हमारे साथ नहीं खड़ा था या उसकी राय हमसे मुख्तलिफ थी, तो हम इस बात पर भी शाकी नजर आते हैं कि देखिए जी हमने इनके मुश्किल में यूं साथ दिया और आज ये जो है हमारे साथ चल नहीं रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर ऐसा कोई रवैया है तो इसका मतलब ये कि हमने जो कुछ किया था इसलिए किया था कि ये हमें रिपे करेंगे, यानी वो लीला तो ना हुई वो लिलायत वाली बात नहीं हुई। जैसे आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल, तो असल में जो है नेकी कर आखरत में डाल, तो आखरत में बदला मकसूद हो और अल्लाह की रजा चाहिए हो तो फिर ही है। अगर आपने अल्लाह की खातर किया था तो वो आपका अजर महफूज है, इनसे क्यों तलब कर रहे हैं आप? तो वो तो अल्लाह की खातिर ही रहना चाहिए, बाकी अगर वो अच्छा बिहेव करेंगे तो वो अपनी आखरत बनाएंगे। यानी जो अच्छा कर रहा है वो दरअसल अपनी आखरत बनाएगा, अपनी आखरत बनाएगा। लेकिन अगर हम में से किसी ने हमने कोई भलाई करके उससे उम्मीद रख ली है, गोया हम अपनी नेकी का बदला बंदे से मांग रहे हैं या उम्मीद रखते हैं, तो वही आप वो नेकी नहीं है, वो नेकी वो सौदा हो गया, कारोबार हो गया। और इसकी बड़ी प्यारी मिसाल यूं भी आप देख सकते हैं कि अगर दो दुकानदार हों और पहला दुकानदार वो भी ग्राहकों के साथ बहुत ही अच्छा इखलाक से के साथ पेश आता हो और थोड़ा मुनाफा ले, लोगों को लूटे नहीं और डंडी ना मारे, बिल्कुल सही सही तोल के दे, लेकिन उसका नुक्ता नजर ये हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा कारोबार फैलेगा चमकेगा। दूसरा दुकानदार भी बिल्कुल यही काम कर रहा है, लेकिन उसका नुक्ता नजर ये है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। तो आप पहले वाला जो है उसको नेकी कोई नहीं है, कारोबार तो इसका भी फैल जाएगा, कारोबार उसका भी फैल जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो इस दूसरे का जो है वो तो अल्लाह के नेकी तसव्वुर होगा, इस पहले का कोई नेकी नहीं है। तो इस लिहाज से जो असल ड्राइविंग फोर्स है वो तो है कि कोई काम भी अगर आप कर रहे हैं तो महज अल्लाह की खातिर कर रहे हैं तो वो नेकी का है। दूसरी शर्त इसके साथ है ईमान बिल आखरत की, और वो ये है कि उस नेकी का बदला भी आखरत में मतलूब हो। ठीक है, अगर इस दुनिया में मतलूब है तो फिर वो नेकी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं इसलिए इस नियत के साथ कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरी रोजे के अंदर बरकत पड़ जाएगी, तो ये कारोबार है, ये इबादत नहीं है। अल्लाह आप नमाज इसलिए पढ़े कि ये अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी, आखिरत में मुझे बदला मिलेगा।
अल्लाह उसके जरिए से आपकी रोजे में इजाफा कर दे, वो तो उसकी मर्जी है। सही सही। इसके लिए मैं आपको एक हदीस के अंदर जो वाक्य आता है वो सुनाऊंगा कि एक साहबी ने अपना मकान बनाया और उसके अंदर रोशनदान रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मैं आपने रोशनदान क्यों रखा, तो उसने अर्ज की अलग उसूल इसलिए रखा कि मकान हवादार होगा तो इसमें आदमी जो इजी फील करेगा तो अच्छा रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आपकी गर्ज नियत ही होती कि यहाँ से अजान की आवाज आएगी और मैं टाइम पे नमाज पे चला जाऊंगा तो हवा तो फिर भी आती रहती, वो तो नहीं रुकती। इस नियत में हवा को नहीं रोकना। हाँ, लेकिन आपका वो काम नेकी का होता, अब नेकी का नहीं है, तो इस लिहाज से इनमालामालिया जैसे आपने हदीस का हवाला दिया, ये बिल्कुल पक्की बात है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसका उसने इरादा किया और नियत की। अगर अल्लाह की रजा है और आखिरत में बदला मकसूद है तो नेकी है, वरना नेकी नहीं है। सही है, जिदा करना। लेकिन इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको अभी बाद में आयत पूरी पढ़ के सुना दूंगा, तर्जमा भी कर दूंगा जी। तो इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ ईमान बिल्लाह ही नहीं, ईमान बिल आखिरत भी नहीं, आगे ईमान बिल रिसालत की भी तस्करा है। तो उसूली तौर पर तो अल्लाह के रजा के लिए बंदा काम कर रहा है, आखिरत में बदला मतलूब है, तो बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर ईमान बिल रिसालत का आगे जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत है। सही है। मैं चाहूंगा कि उसका भी मैं ताल्लुक वादे कर दूं, वो ये है कि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ जज्बात हैं, जैसे नफरत, मोहब्बत, गुस्सा, शहवत, प्यास का लगना, खाने की तलब, तो ऐसे बदी का भी एक जज्बा है और नेकी का भी एक जज्बा है। तो जब आदमी का कोई जज्बा मुश्तैल हो जाता है तो आदमी एबनॉर्मल होता है, या यूं कहें कि बेलगाम हो जाता है। हाँ, एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं रहता। यही वजह है, नेकी का जज्बा ही क्यों ना हो, भले नेकी का जज्बा ही क्यों ना हो, यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम गुस्से में हो तो गुस्से में फैसला ना करो, बल्कि अपने आप को ठंडा कर लो, कूल डाउन हो जाओ, पानी पी लो, बैठ जाओ, खड़े हो, तो जैसे तुम्हारा गुस्सा जाता रहे फिर कोई फैसला करो। इसलिए कि गुस्से में फैसला करोगे जज्बात में तो गलत ही करोगे, सही नहीं करोगे। सही। तो इसी तरीके से अगर नेकी का जज्बा उरूज पे आ गया हो तो नेकी के जज्बे के तहत भी इंसान बुरे काम कर लेता है। नाज़रीन बड़े परेशान होंगे कि नेकी के जज्बे के तहत तो कोई बुरा काम नहीं हो सकता। मेरे लिए खुद ये जुमला आपका बड़ा हैरानगुन और तजस्सुस तलब है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि साहब का एक पूरी उम्मत इस जज्बे के तहत एक बुराई के अंदर मुलव्वस हो गई, पूरी उम्मत, एक आदमी भी नहीं, पूरी उम्मत, और वो ईसाइयत है। ईसाइयत के अंदर जो है वो रहबानियत है। रहबानियत क्या है? रहबानियत दरअसल अल्लाह की रजा के लिए तर्क दुनिया है, दुनिया को छोड़ देना है। तो अब ये जज्बा तो नेकी का ही है ना, इसमें कोई बुराई का बुराई के जज्बे से तो आदमी दुनिया को पकड़ता है ना कि छोड़ता है, तो ये तो नेकी का जज्बा है और तर्क दुनिया है, लेकिन ये इन बिल्कुल फितरत के खिलाफ है। और कोई आदमी ये फैसला कर ले कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, कोई कारोबार नहीं करूंगा, ये इतना कह देना तो आसान है, लेकिन इसको निभाना मुमकिन ही नहीं है। तो लाखों हजारों में कोई एक निभाएगा, वरना तो यही वजह है कि आप अगर देखेंगे तो मोटी मोटी किताबें आपको मिल जाएंगी कि राहिब खानों के तहखानों के अंदर वो नाजायज औलाद के कब्रिस्तान बन गए। तो देखने को राहिब है और राहिबाएं हैं, लेकिन वो नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं। तो इस वजह से इस्लाम के अंदर रहमानियत हराम है। ये जज्बा नेकी का था, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी मर्जी से उस जज्बे के तहत जो कुछ किया तो वो फिर राह रास्ते से हट गए, यानी अपनी मर्जी का लफ्ज इसमें शामिल हो गया। हाँ, अपनी मर्जी से उन्होंने नेकी करना चाहिए, इसका मतलब है जब तक नहीं होगा तो नहीं होगी, नहीं है। यही असल में ताल्लुक है ईमान बिल रिसालत का नेकी के साथ, कि आप कोई काम करें तो उसमें पहली दो शर्तें तो होंगी होंगी कि अल्लाह की रजा मकसूद है, आखिरत में वो बदला चाहिए, लेकिन काम भी ऐसा होना चाहिए जिसके मोरे ऊपर मोहर नबूवत सब हो। अगर वहां से दलील मिलती है तो नेकी का काम है, वरना वो नेकी, वरना कतर नेकी का काम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो है वो वक्त बहुत ही महदूद है, आखिरी लम्हात है, इफ्तार का करीब है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप मुख्तसरन इस अमर पर रोशनी डाल दीजिए कि एक और जो मेरे जहन में इस सारी गुफ्तगू के तनाजुर में सवाल उभरा वो ये कि हम बसा औकात देखते हैं, अभी आप जो वो मिसाल दे रहे थे कुछ दुकानदारों की और वो नेकी जो मतलब अपने कारोबारी मामला जो हैं वो सही उसूलों पर चलाते हैं, लेकिन एक की गर्ज जो है वो सिर्फ दुनिया या कारोबार है और दूसरे की गर्ज जो है वो अल्लाह की रजा की,
तो लेकिन इससे हट के मेरे जहन में एक और बात आई कि हम बसा औकात ये देखते हैं मुआशरे में कि एक शख्स जो बजाहिर हमें दीन के अमाल को जाहिरन पूरी तरह से वो फॉलो करता हुआ दिखाई देता है, इबादात में मुकम्मल है, मामलात में भी दुरुस्त नजर आता है, लेकिन नजर ये आता है कि उसकी जिंदगी भी इम्तिहानात मसाइब या मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो ये बात बाज़ों का परेशान करती है। लगता यह है कि जो शख्स अल्लाह की इताअत और हज़रत सल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है और पूरी कोशिश में मसरूफ है, लोग भी उस पर शाहिद हैं, फिर वो क्यों मुश्किलात का शिकार हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है? हाँ, उसकी मैं आपको ये आयत भी पढ़ के अभी तर्जमा भी कर दूंगा ताकि नाज़रीन के सामने पूरी वो आयत भी आ जाए। उसमें यह है कि ये जो ईमानियात है इससे तो नेकी का बीज पड़ा है, इससे मोटी तो तीन कोंपले निकलती हैं और उसमें भी सबसे पहली जो इंसानी हमदर्दी है। चौथा पारा शुरू इस तरीके से होता है कि लन तनालो बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक अपना प्यारा माल खर्च ना करो, और तो वो भी वो चीज जो तुम पसंद प्यारी हो, प्यारी हो, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो मन से उतर गया कपड़ा वो दे दिया तो वो कोई नेकी की बात नहीं है, बल्कि नेकी है कि जो आपको महबूब हो, प्यारा है, वो अल्लाह के लिए खर्च करो। अच्छा, ये तो नेकी तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक इंसान कठोर दिल और कंजूस रहेगा। अगर वो नेकी इंसानी हमदर्दी के लिए अपना माल खर्च कर सकता है अल्लाह की रजा के लिए, तब नेकी का वो मामला हो सकता है। तो पहली कोंपा जो इंसानी हमदर्दी है, ठीक है। दूसरी कोंपा जो निकली है इस बीच से वो है इबादत। इस आयत में आता है वाकाम सलात वात ज़का, के नमाज पढ़े और ज़कात यानी अरकान इस्लाम की पाबंदी करें, ठीक है। लेकिन यहीं पर बस नहीं है, तीसरी कोंपा निकलती है मामलात इंसानी में बिल्कुल खरा हो, कोई भी वादा करे तो पूरा कर दे, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी एक चोटी आती है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपने जो बात की उसके साथ, सही। और वो ये है कि वह साबिरीन फिल बासाए व दर्राए व हीन अलबास, और खुसूसन सबर करने वाले चाहे उनके हालात तंग हो जाए यानी रोजी के हाथों वो परेशान हो जाए, चाहे उनको कोई जिस्मानी तकलीफ है, चाहे उनको जंग करनी पड़ जाए, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपकी बात इसके साथ यूं जुड़ जाती है कि एक आदमी जो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हो, आखरत में उसको बदला मतलूब हो, काम भी ऐसा कर रहा हूँ कि जिस पर मोहरे नबूवत सब्त है, खिलाफ सुन्नत कोई करता ही नहीं है, फिर यह कि वो लोगों का हमदर्द है, अपना माल भी खर्च कर रहा है, फिर अरकान इस्लाम की भी पाबंदी कर रहा है, फिर किरदार का बहुत पक्का है, झूठ बोलता नहीं है, वादा खिलाफी करता नहीं है, जो किसी के साथ मामला करता है तो बिल्कुल ठीक ठीक करता है, तो आखिर ऐसे आदमी के साथ कोई क्यों उलझेगा, उसको क्यों जंग करनी पड़ेगी, उसको क्यों लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी? कि ये फरमाया कि जब जंग का मौका है तभी सबर करें। दरअसल हमारा जो इस्लाम के अंदर नेकी का तस्वर है वो जामिद नहीं है, बहुत एक्टिव है, और इस्लाम ये कहते हैं कि हम अल्लाह की खातिर अगर जी रहे हैं तो अल्लाह के साथ हमारी हमीयत और गैरत का तकाजा ये कि हम बाकियों को भी अल्लाह के ताबे कर दें, बाकी मखलूक भी अल्लाह ही की बंदगी पे आ जाए। लिहाजा आपने सिर्फ खुद नेक नहीं बनना बल्कि पूरे माहौल को नेक बनाने की कोशिश करनी है। सही, सही। और हदीस में आता है अल्हकु मुर्रुन, हक कड़वा होता है, जब आप लोगों को हक की बात करेंगे तो फिर मुखालिफ हो जाएंगे। और इसकी बहुत बड़ी टाप की मिसाल खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी है, उनसे ज्यादा तो कोई नेक हो ही नहीं सकता। वो तो ईरान ने वो से पहले ही मुआशरे ने उनको आसादे कलामीन का लकब दे दिया था, तो आखिर उनको जंगे क्यों करनी पड़ी, आखिर उनको अपने साथियों का नजराना जानों का क्यों देना पड़ा, अपना जिस्म क्यों लहूलुहान कराना पड़ा? इसलिए कि वो खुद ही सिर्फ नेक नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे अल्लाह का हुक्म लागू हो और मुआशरा बिल्कुल इन उसूलों पर आ जाए। कुरान तो ये कहता है, अल्लाह फरमाता है कि हमने हर जो भी चीज पैदा की थी उसके लिए हमने रोजी भी पैदा कर दी है, लेकिन जब तकसीम दौलत का निजाम वैसा नहीं होता जैसे अल्लाह चाहता है तो फिर हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर लोग हैं वो भूख के हाथों खुदकुशी करते हैं। तो यहाँ जहाँ कहीं भी खुदकुशी हो रही है भूख के हाथों, इसका मतलब ये कि यहाँ जालिमाना निजाम है, वो निजाम नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं। लोगों से कुछ ने कुछ का हक, हाँ, गसब कर लिया, कुछ ने कुछ का हक खाया, इसलिए वो भूखों मर रहे हैं। अब अल्लाह ये चाहता है अपने मानने वालों से कि सबसे पहले मेरे उस दिए हुए निजाम को लागू कर दो। अब इसके लिए जब आप निकलेंगे तो वही मुआशरा जो आपको नेक समझता है, बजाय इसके कि आपके सामने फूल पेश करे, वो आपको गालियां देगा, मुखालफत करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, आपको इस तरफ आने ही नहीं देगा। लिहाजा आपको मसायब झेलने होंगे,
अब जब आप इधर टाइम लगाएंगे तो तब आपको खाने पीने के लिए भी तंगी आ सकती है, फाके भी आ सकते हैं, वही टाइम आप लगा के रोजी कमाते हैं, आपको इस काम पे लगे हुए हैं। मौलाना साहब आप फरमा रहे थे कि आयत मुबारक का हवाला आपने दिया था और आप कह रहे थे कि मैं वो आयत भी पूरी सुना देता हूँ। जी मैं आपको आयत सुना देता हूँ। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक वल मग़रिब, नेकी से यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मग़रिब और मशरिक की तरफ कर लो, वलाकिनल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीयीन, बल्कि नेकी तो उसकी है कि जो ईमान रखे अल्लाह पर, आखरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों और नबियों पर, वह आतल माल लखुबी और अपना माल, प्यारा माल, मोहब्बत के अला रकम माल खर्च करे, ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों पर, वल यतामा यतीमों पर, वल मसाकीन और मस्कीनों पर, वबन सबीर और मांगने वाल मुसाफरों पर, व सायरीन और मांगने वालों पर, व फिर रकाब और गर्दनों के छुड़ाने में, व अकाम सलाता व आता ज़कात, और मजीद ये कि वो नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, और इससे मजीद वालमूफुन बेदे में दाहदों और वादों का पूरा करने वाले जब भी वहाँ मुआहदा कर लें, वसाबिरीन फिल बासा व दर्रा व हीन अल बास, ये वो चोटी की बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि खुसूसन सबर करने वाले हालात की तंगी में और जिस्मानी मुसीबत में और जंग के वक्त, उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, ये हैं जो सच्चे हैं। मुराद क्या है कि ये दावे नेकी में सच्चे हैं, वह उलाइक हुमुल मुत्तकून, और यही है असल में मुत्तकी। तो इसी के हवाले से हमने ये सारी बात की थी, तो मैंने चाह के आपको मैं आयत भी सुना दूं। पूरा कुरान यकीनन हिदायत भी है और जामियत भी दिए हुए है, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत आयत का इंतखाब किया है कि बड़ी जामियत के साथ अल्लाह ताला ने इसमें जीदा जीदा तमाम आमाल गिनवा दिए हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। नाज़रीन मुहतरम, इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, आइए हम मौलाना अताउल्लाह खान साहब से गुजारिश करते हैं, जिन्होंने हमारी आज के इस प्रोग्राम में नेकी के तसव्वुर के हवाले से बहुत खूबसूरत अंदाज में और मुदल्लल अंदाज में रहनुमाई फरमाई है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए, आइए हम उनसे गुजारिश करते हैं। इफ्तार के इन खूबसूरत और कबूलियत के औकात में हम अल्लाह की जनाब में हाजिर हों। मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह हमने जो रोजे रखे इनको कबूल फरमा, आमीन। अल्लाह बिलखुसूस हमें कुरान मजीद की समझ अता कर, और जैसे तू चाहता है हमें वैसे ही नेक बना दे। हम सिर्फ जाहिर की नेकी करने वाले ना हो बल्कि हकीकत देने की से आशना हो, और इसी के मुताबिक हमें ढलने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि तू हमसे राजी हो और हमारी आखिरत बन जाए। अल्लाह हमारी दुनिया के लिए भी हमें भलाई अच्छाई अता कर दे, और बिलखसूस आखिरत हमारी जो है वो हसना कर दे, उसके अंदर हमें कामयाब कर दे। अल्लाह जो भी हमारी जिंदगी बाकी है उसे तो अपने लिए कबूल कर ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ं वारज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वारज़ुक़ना इज्तिनाबह। सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।